अल्लाह ने उसी के सिलसिले में कहा कि बाज लोग ऐसे हैं जो लहवल हदीस खरीदते हैं, बात का खेल। मुफस्सरीन ने लिखा है कि बात का खेल, जो चीज भी किस्से कहानी और तहरीर, बातें, गाने बाजे, सारी चीजें अल्लाह से गाफिल करती हो, एक इंसान का दिल अल्लाह से दूर कर देती हो, वो सब लहवल हदीस है। अब गाना सुनने वाले, फिल्में देखने वाले, सीरियल में टाइम पास करने वाले, चैटिंग करने वाले, और ये न जाने क्या क्या नाम से सोशल मीडिया में चल रहा, सब में मौज मस्ती करने वाले, आप अकेले में सिर्फ अपने दिल से पूछ लेना कि आप एक घंटा कुरान बैठ करके सुनो, उसमें ज्यादा आपको मजा आता है कि आपको इस सब में ज्यादा मजा आता है? क्या कुरान आपको उतना खींच पा रहा है जितना ये सब चीजें आपको खींच ले रही है? ये खुद एक दलील है बहुत बड़ी कि ये सब लहवल हदीस है और हरामकारी में आप लग गए। कुरान सुनकर के आपको अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, 3 घंटा आप कुरान सुन नहीं सकते, लेकिन आप पूरा 24 घंटा इसमें लगे रह सकते हैं। ये वही लहवल हदीस है जो अल्लाह ने कुरान में बहुत पहले कह दिया है। आज उसकी शक्ल बदल गई है। गाना बजाना ये इस्लाम में हराम है। गाना और बजाना और उसके जितने भी आलात हो सकते हैं वो सब इसमें शामिल है, और इस्लाम में ये सब हराम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف معزز حاضرین جمعۃ اور سامعین اکرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ و بارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہم انسانوں کو جس مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو واضح فرما دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنات اور انسان کو صرف اور صرف اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسرے الفاظ میں یوں کہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو پیدا کیا، یعنی انسان زندہ ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے اور پھر ایک دن مر جاتا ہے، لیبلوکم تمہاری آزمائش کے لیے، ایکم احسن عملا کی عمل میں کون زیادہ اچھا ہے، اور عمل اللہ کی عبادت ہی کو کہتے ہیں۔ اچھا عمل وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو انسانوں کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہے، اور مذہب اسلام کا آپ مطالعہ کریں گے
तो आपको पता चलेगा कि 24 घंटा एक सेकंड भी इधर उधर नहीं, सारे सेकंड भी उसमें शामिल हैं, दिन और रात। आप ऐसा कह सकते हैं कि जिंदगी से लेकर के मौत तक इंसान अगर चाहे तो वो इबादत में रह सकता है, अल्लाह की इबादत में अपने आप को रख सकता है, क्योंकि अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। तो अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया कि 24 घंटे में से 2 घंटा आपको खाली दे दिया हो कि तुम मनोरंजन कर लो, 22 घंटे मेरी इबादत कर लो और 2 घंटा अपने हिसाब से जी लो। जब अल्लाह की इबादत ही मकसूद है तो 24 घंटा अल्लाह की इबादत में गुजारो, और यही वजह है कि आप सोने से लेकर के उठने तक या उठने के बाद से लेकर के सोने तक इस्लाम का शेड्यूल देखें, इस्लाम की तरतीब देखें, तो आपको पता चलेगा कि हर वक्त तो इस्लाम इबादत ही में रहने के लिए कहता है। इसी वजह से आप गौर करें तो किसी ना किसी बहाने से इस्लाम हमें इबादत में लगाए रहता है। मिसाल के तौर पर मुअज्जिन साहब अजान दे रहे हैं, अजान सुनना भी इबादत है और अजान सुनने के बाद मुअज्जिन को जवाब देना, मुअज्जिन के कलिमात का जवाब देना, वो भी इबादत है। और इस्लाम ने सिखाया है कि अजान सुनो तो उसका जवाब दो, अजान सुनकर के फारिग हुए नहीं, दुआ सिखाया इस्लाम ने, अल्लाह का जिक्र है सब, वो इबादत है, दुआ पढ़ो। नमाज के लिए अभी चलना है तो वजू करो, वजू से पहले पेशाब पखाने की हाजत है तो वहां पे जाने से पहले दुआ पढ़ लो, निकलने के बाद दुआ पढ़ लो, वजू शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लो, वजू खुद इबादत है, वजू मुकम्मल करने के बाद दुआ पढ़ लो। बल्कि आप ये से कह लें कि आप अपनी जिंदगी का सब काम अल्लाह के फरमान के दायरे में कर रहे हैं तो सब तो इबादत ही है। सिर्फ जुबान से दुआओं का एहतमाम कर लेना ये इबादत नहीं है। छोटे छोटे कलिमात इस्लाम ने सिखा दिए कि चलते फिरते उठते बैठते फुर्सत के लम्हात जब भी मिले जुबान चलाते रहो, इबादत में लगे रहो, कुछ नहीं आता है सुभान अल्लाह बोलते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहो, अल्लाह अकबर बोलते रहो, अस्तगफिरुल्लाह बोलते रहो, सब छोटी छोटी चीजें इस्लाम ने सिखाया। क्यों? हर वक्त इबादत में लगे रहो। एक सेकंड भी इस्लाम ने ऐसा नहीं दिया कि इस्लाम कह दे कि इबादत से खाली हो जाओ। जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में लगा दो, क्योंकि इसी के लिए तुम पैदा किए गए। और यही वजह है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर घड़ी अल्लाह का जिक्र करते थे, जबकि पेशाब पखाने में जब चला जाता है आदमी तो वहां पे जिक्र ममनू है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां पे इस्लाम में इबादत को मना कर दिया कि वहां पे जो जाहिरी इबादतें हैं उसको रोक दो, लेकिन वहां पे इबादत से रुक जाना भी इबादत है। एक आदमी पेशाब पखाना करे और वहां पे सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे तो वो गुनहगार है, और एक शख्स बचा रहे कि अल्लाह ने मना कर दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया है, तो इबादत है। इस्लाम में इबादत ऐसा है, इस्लाम में इबादत यह भी है कि एक इंसान मेहनत करके कमा करके लाता है और अपने बीवी बाल बच्चों को खिलाता है यह समझते हुए कि अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है, कमा रहा है, खाना पानी घर में बना करके खिला रहा है, इबादत में है। अरे इस्लाम में इबादत तो यहां तक है कि एक इंसान जायज तरीके से अपने बीवी से हमबिस्तर होता है, जिमा करता है, तो इबादत है। तो इबादत इस्लाम में इस कदर वसी है। तो 24 घंटा इबादत कैसे होगी? ऐसे होगी, आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में सब काम करो, आप कारोबार करो, तिजारत करो,
हलाल और हराम की तमीज करते हुए, जायज और नाजायज को जहन में रखते हुए, कुरान और हदीस को सामने रखते हुए, वो इबादत है। खाओ खिलाओ सब इबादत है। नीयत अच्छी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक इंसान पूरी जिंदगी इबादत में गुजार सकता है। लिहाजा कोई भी चीज जो हमें अल्लाह के साथ रिश्ते में, मजबूती में और जोड़ में रुकावट बन जाए, तो वो दुनिया उसको कोई भी नाम दे दे, वो शैतानी काम है, वो शैतानी काम है, वो इबादत नहीं है। चुनांचे कुरान करीम की एक आयत की तफसीर मैं करने जा रहा हूं, उससे पहले एक तमहीद आपके सामने मैंने इसलिए रखी है कि आप उसकी तफसीर अच्छे से समझ पाए। बहुत सारे लोग होते हैं कीलो काल करने वाले, चूचरा अगर मगर करने वाले, उनका रास्ता बंद होना चाहिए, दरवाजा बंद होना चाहिए और आपका जहन साफ होना चाहिए। इसलिए मैंने एक तमहीद बांधी है कि अल्लाह ने हम इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया है, तो हमारा सोना जागना, उठना बैठना, चलना फिरना, कारोबार करना, खेलना कूदना, सब उस तरीके से हो जाए कि सब इबादत हो जाए, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में हो जाए, तो सब इबादत हो जाए। वमिन अन्नास मन यश्तरी लहुल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म व यत्तखिदहा हुज़्वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। आजकल मोबाइल का फितना आम हो गया है और हम लोग बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जायज काम तो है लेकिन नीयत अच्छी नहीं होती है और मकसद सही नहीं होता है, इस वजह से हम लोग एक तरीके से गुनहगार हो रहे होते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, खाली सोशल मीडिया पे आप लोगों की बातें पढ़ रहे हैं फालतू के, मकसद कुछ नहीं है। बहुत सारी ओट पटांग की बातें आती रहती हैं सामने, तो आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, टाइम पास हो जाता है बढ़िया। ये आपकी इबादत का वक्त उसने ले लिया आपके मोबाइल में। अब उसमें दलील के हेर पेश में गहराई में जाकर के हराम कहाँ है, मना कहाँ है और इसमें क्या गलती है और दिक्कत क्या है, मैंने खाली न्यूज पढ़ा था तो मैंने ये करा था तो वो करा था, आप इबादत में नहीं थे। एक मुसलमान सोशल मीडिया में जाए भी तो मकसद उसका नेक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, उसी दायरे में जाए, वरना उसको उठाए किनारे रख दे और बैठ करके सुभान अल्लाह कहता रहे तो उसके लिए अच्छा है। अब ये दलील ढूंढने की जरूरत नहीं है और बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है और कीलो काल करने की जरूरत नहीं है कि मना कहां है और इसमें गलत क्या था और इसमें हराम कैसे हो जाएगा फला फला। अरे आपका फायदा क्या था उसमें, आप किस मकसद से उसमें घुसे थे, क्या कर रहे थे आप उसमें? तो कह रहे वो खाली थे तो फुर्सत में थे तो टाइम पास कर रहे थे। इस्लाम में टाइम पास नहीं है, इस्लाम में टाइम पास नहीं है। आप एक मिशन पे आए हो, उस मिशन पे लगे रहो और वो मिशन क्या है, अल्लाह की इबादत तो बंदगी, जरूरियात से फारिग हो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो और जरूरियात से फारिग नहीं हो तो फिर जरूरियात में लगे रहो, वो भी इबादत है, ये सोचते हुए कि अल्लाह ने मुझे जिम्मेदार बनाया है। तो कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आने वाले इन तमाम फितनों की तरफ बहुत खूबसूरती के साथ इशारा किया और कहा कि बाज लोग ऐसे हैं जो बात का खेल खरीदते हैं, लहवल हदीस, जो खरीदते हैं किस चीज को, लहवल हदीस, हदीस माने बात और लहू माने खेल, बात का खेल। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जितनी वजाहत के साथ इस लहवल हदीस को हम आप समझ सकते हैं, आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले इसको समझना जरा मुश्किल था। ये बात का खेल क्या होता है, आज समझ में आता है कि बात का खेल क्या होता है। सब लोग मोबाइल लेकर के बात के खेल में लगे हुए हैं मुख्तलिफ तरीके से, सोशल मीडिया पूरा लहवल हदीस है, इल्ला माशाल्लाह उसमें थोड़ी सी गुंजाइश शायद बच जाए, कुछ लोग सच्ची नीयत से, अच्छी नीयत से शायद उसमें लगे रहते हैं, वरना सब बात के खेल में लग जाते हैं।
और हमारे 24 घंटे में से कितना वक्त ये बात का खेल ले लेता हमसे। लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म, तो जो बात का खेल खरीद करके लाया था मोबाइल उस दौर का, वो मकसद क्या था कि अल्लाह से लोगों को दूर कर दें, गाफिल कर दें, मकसद ये था। और आप जब गौर करेंगे तन्हाई में ध्यान के साथ मेरी इस बात पे कि अल्लाह से गाफिल करने वाली चीज है कि नहीं ये मोबाइल, मकसद उसका वही था कि अल्लाह से गाफिल कर दे अल्लाह के रास्ते से। इस सिलसिले में मुफस्सरीन ने लिखा है कि नजर बिन हारिस से एक शख्स ने कहानी और किस्से की किताबें खरीद करके लाया, गाने वालियों को खरीद करके लाया कि ये कुरान लोगों को खींच ले रहा अपनी तरफ, इसमें बड़ी मिठास है, बड़ी चाशनी है, अब इससे रोका कैसे जाए। तो उसके काट के तौर पर उसने किस्से कहानी की किताबें, झूठी और मनगढ़ंत किस्से कहानी की किताबें खरीद करके लाया और गाने वालियों को लेकर के आया और महफिल सजाया, लोग उसके पास बैठने लगे। अल्लाह ने उसी के सिलसिले में कहा कि बाज लोग ऐसे हैं जो लहवल हदीस खरीदते हैं, बात का खेल। मुफस्सरीन ने लिखा है कि बात का खेल जो चीज भी किस्से कहानी और तहरीर, बातें, गाने बाजे, सारी चीजें अल्लाह से गाफिल करती हूं, एक इंसान का दिल अल्लाह से दूर कर देती हो, वो सब लहवल हदीस है। तो उसने किस्से कहानी की किताबें खरीद लाया वो, और गाने वालियों को खरीद करके ले आया, तो उसको अल्लाह ने नाम क्या दिया, बात का खेल, लहवल हदीस। और मकसद क्या था, लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, ये जो अल्लाह की तरफ लोग दौड़े चले आ रहे हैं कुरान सुनने के लिए, कुरान उनको खींच लेता है, उससे उनको दूर किया जाए, लोग कुरान की तरफ ना जाएं, इधर आ जाएं। अब गाना सुनने वाले, फिल्में देखने वाले, सीरियल में टाइम पास करने वाले, चैटिंग करने वाले, और ये न जाने क्या क्या नाम से जो सोशल मीडिया में चल रहा है, सब में मौज मस्ती करने वाले, आप अकेले में सिर्फ अपने दिल से पूछ लेना कि आप एक घंटा कुरान बैठ करके सुनो, उसमें ज्यादा आपको मजा आता है कि आपको इस सब में ज्यादा मजा आता है, क्या कुरान आपको उतना खींच पा रहा है जितना ये सब चीजें आपको खींच ले रही हैं? ये खुद एक दलील है बहुत बड़ी कि ये सब लहवल हदीस है और हरामकारी में आप लग गए हैं। कुरान सुनकर के आपको अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, 3 घंटा आप कुरान सुन नहीं सकते, लेकिन आप पूरा 24 घंटा इसमें लगे रह सकते हैं। ये वही लहवल हदीस है जो अल्लाह ने कुरान में बहुत पहले कह दिया है, आज उसकी शक्ल बदल गई है। गाना बजाना ये इस्लाम में हराम है, गाना और बजाना और उसके जितने भी आलात हो सकते हैं वो सब इसमें शामिल हैं, और इस्लाम में ये सब हराम। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबलीस से कहा, इबलीस से, वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तता'त मिन्हुम बिसौतिक, जिस इंसान को भी तू अपनी आवाज से चाह ले अपने खेमे में डाल ले, उनके उनके मकाम से हटा करके अपने पास लेकर के चला। तो इस सिलसिले में मुफस्सरीन ने लिखा कि जो इबलीस को अल्लाह ने कहा, इससे मुराद गाना है, गाने के जरिए से उनको अपने पाले में तू डाल ले। तो गाना बजाना ये शैतान का काम, ये इस्लाम में नहीं है। आप अहादीस का मुताला करें, मुझे तो समझ में नहीं आता कि बाज लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और गाने बजाने की छोटी बड़ी शक्लों को किसी भी तरीके से सही समझते हैं, कुरान की इन आयतों और सही अहादीस को सामने होने के बावजूद उनके अंदर हिम्मत और जुरत कैसे हो जाती है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली पेशिनगोई कर दी, लयकूनन मिन उम्मती अक्वाम, मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे, यस्तहिल्लून अल्हिरा, जिना को हलाल समझने लगेंगे वो, वल हरीर, रेशम को हलाल समझने लगेंगे, वल खम्र, शराब को हलाल समझने लगेंगे, वल माजिफ, गाने बजाने की सारी चीजों को हलाल समझने लगेंगे या गाना बाजा को हलाल समझने लगेंगे, मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे। अब इस हदीस के अंदर क्या कहा गया कि हलाल समझने लगेंगे,
तो अगर पहली से हलाल था तो हलाल क्या समझेंगे उसको भाई? अगर गाना बाजा किसी भी शक्ल में छोटी या बड़ी कहीं से भी हलाल था तो उसको हलाल समझने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हराम है वो, तभी तो हलाल समझेंगे वो। तो हराम होने की दलील या उसका इस्तदलाल कि जब वो हलाल समझेंगे, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इसका मतलब पहले से वो हराम है तभी तो वो हलाल समझेंगे। और दूसरी बात, जिना के हराम होने के बारे में किसी को शक है? शराब के हराम होने के बारे में किसी को शक है? और रेशम के हराम होने के बारे में किसी को शक है? ये सारी की सारी चीजें हराम है और उसी के साथ माजिब का तज़किरा किया गया है, गाना बाजा का, तो उसके हराम होने में कहां शक हो रहा भाई? ये सारी की सारी चीजें आप मानते हो कि सब हराम है और उन्हीं के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजिब का तज़किरा किया, गाना और बाजा, तो उसके हराम होने के बारे में आपको परेशानी क्यों लग रही है? इसी तरीके से प्यारा नबी जना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर पेशिन गोई की है, फी हादिल उम्मा, इस उम्मत में, बाज़ हदीस के अंदर आखिरी जमाने का तज़किरा है कि आखिरी जमाने में या इस उम्मत के आखिरी लोगों में, खस्फुन व मस्खुन व कज़फुन, जमीन में धसा दिया जाना, शक्लें बिगाड़ दिया जाना, पत्थर से पत्थर की बारिश होना आसमान से, ये सारी चीजें इस उम्मत में होंगी या आखिर जमाने में होंगी। एक आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कब होगा, कब ऐसा होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गाने बाजे या गाने वालियां आम हो जाएंगी, इदा दहरतिल कैनात, जब गाने बाजा और गाने वालियां ये सब आम हो जाएंगी तब ये मुसीबत आ जाएगी। वशरबतुल खुमूर, और जब शराब खूब पी जाने लगेंगी तब ये अल्लाह की जानिब से ये मुसीबतें आपके ऊपर आ जाएंगी। तब आज के जमाने में गाने वालियां क्या आपको दिक्कत से मिलती हैं? गाना बाजा, अरे हर एक के पास तो गाना बाजा है जेब में, ये मोबाइल की शक्ल में, कुछ नहीं तो आप रिंगटोन ही लगा लेते हैं ऐसा कि वो गाना बाजा के दायरे में आ जाता है। तो हर एक आदमी के जेब में तो गाना बाजा है, आम तो हो ही गया है। और शराब कितनी आम है उसको भी बताने की जरूरत है? मुस्लिम महलों का जायजा लीजिए और मुस्लिम महल्ला छोड़ दीजिए, अहले हदीस गली का जायजा लीजिए आप, अहले हदीस महल्ले के गली का, पता चल जाए कि शराब कितनी आम हो गई है। बड़ी मस्जिद की गली का पता लगा लीजिए आप, दूसरी जगह छोड़ दीजिए, बड़ी मस्जिद की गली यहां से वहां तक कब्रिस्तान तक आप पता लगा लीजिए कितने आदमी शराब में मुलव्विस हैं, फिर पता चलेगा कि ये हदीस फिट हो गई कि नहीं हो गई है। तब अल्लाह का अजाब कब इंतजार करोगे? अजाब का वक्त हो गया है। बड़ी मस्जिद का गली महफूज की गली महफूज नहीं है शराब से, तो फिर कब आम हो गया? और तो फिर अल्लाह का अजाब और कब आएगा? बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुफ इसको जायज करार दिया है। दुफ भी एक हल्की सी आवाज की शक्ल है, जो थप थप की आवाज होती है, उस आवाज में इतनी कशिश भी नहीं होती है। अब आज के दौर के हिसाब से तो आदमी उसको कूड़े में ले जाकर फेंक देगा, क्या कान खराब कर रहा है। वो जो शक्ल है दुफ की, अब उसको दलील बना करके आज, हाँ ये डीजे उजे सब हलाल हो गया उसी के चक्कर में। अब कोई लाकर के अभी दुफ बजा दे आपके बगल में पांच मिनट ना, डांट दोगे आप, और अगर आपका बस चले तो मार भी दोगे, अरे कान खराब कर दिया, क्या बोल रहा है, धप 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 काहे की आवाज लगा पड़ा है। अब उसको दलील बना करके ये डीजे बजा रहे हैं। अब वो भी किस दायरे में और किस लिमिटेशन में, उन सबको नजरअंदाज करके। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा भी बैठी हुई हैं, दो छोटी बच्चियां दुब बजा रही हैं और अशार पढ़ रही हैं, जंगी अशार। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हा तशरीफ लाते हैं,
और आकर के देखते हैं तो वही बोलते हैं जो बोलना चाहिए उनको, उसको भी वो कहते हैं ये शैतान का गाना बाजा। फी बैतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के घर में, नबी के घर में शैतान का गाना बाजा, उसको भी शैतानी से जोड़ दिया उन्होंने, जबकि उसको इस्लाम ने एक लिमिट में हलाल करार दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर दूसरी तरफ मुंह किए हुए थे, बाज अहादीस में है कि आप चेहरा ढाके हुए थे वगैरह वगैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि दाहुमा, अबू बकर छोड़ दो, उन दोनों को बजाने दो। इन लिकुल मिन ईदा, हर एक कौम की ईद होती है और ये हमारा ईद का दिन है आज, आज बजा लेने। तो पहली बात ये है, उलमा ने इस सिलसिले में जो वजाहत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आदमी कभी दुफ बजाया हो इसकी कोई दलील नहीं। मर्द, पहला काम तो ये कि औरत की चीज है ये। अच्छा, औरतों में बालिग औरतें बुलूगत के बाद का सबूत नहीं है कि बुलूगत के बाद की लड़कियां बजाती थी, छोटी बच्चियां बजाया करती थी, और वो भी दुफ जिसमें एक हल्की सी आवाज होती है धप धप की सिर्फ, आज के वक्त में वो कान खराब करने वाली आवाज है। अब दूसरी बात, उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नोट चढ़ा दिया, एक जगह आपने नहीं टोका और एक नोट चढ़ाया। अबू बकर ने कहा कि शैतान का गाजा बाजा नबी के घर में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे नोट नहीं चढ़ाया, कह रहे तुम अपने अल्फाज वापस लो, नबी के घर में शैतान के गाजा बाजा का अल्फाज वापस ले लो, ये गलत है। बल्कि दर हकीकत इसका ताल्लुक असल में शैतान से है, गाने बाजे का। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में जो बड़ी महदूद शक्ल में गुंजाइश है ईद के मौके से, खुशी के मौके से, उस शक्ल की वजह से ऐसा नहीं कहा कि उसका नाम वहां से हटा दो, इसलिए कि असल तो वो शैतान के साथ जुड़ा हुआ है गाना बाजा, उसको आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन आपने आगे का जो नोट चढ़ाया वो क्या, ईद का दिन है तो इसलिए छोड़ दो। तुलमा कहते हैं कि दुफ भी हमेशा जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नोट कि खुशी का मौका है, खुशी की मुनासिबत से ही इतनी गुंजाइश है, वरना इसकी गुंजाइश आम हालात में वैसे भी नहीं कि आदमी करता रहे। ये नोट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा नाफे के साथ चल रहे हैं, गाने बाजे की आवाज आ जाती है कान पे, फौरन वो अपने कान को बंद कर लेते हैं, अपने कान पे उंगली डाल देते हैं और उसके बाद रास्ते से दूर हट जाते हैं। और फिर बाद में पूछते हैं नाफे से कि क्या कोई आवाज वाज आ रही है अब, तो नाफे कहते कि नहीं अब कोई आवाज तो मैं सुन नहीं पा रहा हूं। तब कान से हाथ हटाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं था और ऐसा ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया था जो जैसा मैंने किया। बहुत बड़े मुत्तबे थे नबी की सुन्नत के, जैसा नबी ने किया बिल्कुल वैसे ही करते थे। तो कहा कि ऐसा ही नबी ने किया था तो मैंने भी ऐसा ही किया, तो इतना ख्याल रखते थे कि कान में उंगली डाल लेते थे। बहरहाल एक दो बात कहकर के अपनी बात खत्म करता हूं। एक तो ये बताना था कि गाना बाजा, मौसीकी, रक्स और इस तरह की तमाम चीजें जो अल्लाह से आपको गाफिल करती हैं वो सब के सब हराम है, उसकी हुरमत में कोई शक नहीं है। लेकिन इंसान है हम और आप, गुनाहों के पुतला हैं, हम सब से गुनाह हो जाता है। अब गुनाह इंसान से हो जाए और उसके बाद वो तौबा करे, लेकिन एक इंसान गुनाह का प्रचार करे, एक इंसान गुनाह का प्रचार करे या खुल्लम खुल्ला गुनाह करे, वो निहायत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना भी पसंद नहीं फरमाता कि किसी शख्स ने अगर कुछ गलत काम किया भी है तो उसका तज़किरा किया जाए उस बुराई का। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम, कोई किसी की बुराई को अलल ऐलान बयान भी ना करे कि फला आदमी ने ऐसा 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 किया। हां, अगर मजलूम है तो अपने जुल्म की दास्तान सुनाने के लिए बोल सकता है ताकि उसको इंसाफ मिले, तो अलल ऐलान उसको करना, आप इसको सोच सकते हैं, इंसान है, गुनाह हो सकता है।
लेकिन आप अपने पर्दे के अंदर जितना ज्यादा हो सके उसको छुपा करके कर लीजिए और उसके बाद अल्लाह से तौबा भी कर लीजिए आप। लेकिन उसको खुल्लम खुल्ला करना या अल्लाह के अजाब को दावत देना है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के सारे गुनहगार बख्श दिए जा सकते हैं, कुल उम्मती मुआफा इल्ल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत के सारे गुनहगार बख्श दिए जा सकते हैं, माफ किए जा सकते हैं, लेकिन जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है उसको बख्शा नहीं जा सकता। और खुल्लम खुल्ला की तशरीह किया की गई है, ये नहीं कि खुल्लम खुल्ला रोड पे गुनाह करता है, गुनाह तो पर्दे में करता है लेकिन उसको बयान करता है बाद में, इसको खुल्लम खुल्ला इस्लाम ने कहा है। और जब सरेआम लोग गुनाह करने लगे तो उसका नाम क्या होगा, सबकी निगाहों के सामने गुनाह करने लगे तो उसका नाम क्या होगा। रात में तन्हाई में गुनाह करता है और सुबह उठ करके दोस्तों से बयान करता है, ये सब तो अब गुनाह ही नहीं रहा हमारे मुआशरे में। गुनाह करने के बाद मिर्च मसाला लगा करके दोस्तों के सामने उसको बयान करना और मजा लेना, तो इस्लाम को ये पसंद ही नहीं है। बल्कि एक हदीस की रोशनी में कि जब खुल्लम खुल्ला गुनाह होने लगता है तो अल्लाह का अजाब ताऊन आ जाता है और ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जो पहले नहीं थी। कोरोना वायरस आता है, इसीलिए तो आया है, इसलिए कि हम लोग सब खुल्लम खुल्ला गुनाहों में लग गए हैं। तो कोरोना वायरस तो आना ही था, जो पहले नहीं था वो आएगा, अभी पता नहीं क्या क्या आएगा, आप इंतजार करते रहो, हालात नॉर्मल होने की उम्मीद मत रखो आप। हाँ, या तो फिर अपने मुआशरे को आप पाक और साफ करो। तो गाना बजाना ये सब हराम है इस्लाम में और हमें और आपको उससे जरूर बचना चाहिए। चाहे उसमें अच्छे कलाम ही क्यों ना शामिल कर लें कि चलो नात की शक्ल में और हम्द की शक्ल में और नजम की शक्ल में, और उसमें आप खूब ऊंचे पावर वाला जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ढोल और बाजा डीजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब हराम है और गुनाहों की चीजें हैं, इंसान को अल्लाह से दूर करने वाली चीजें हैं। लिहाजा हमें और आपको इससे बचना बेहद जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक इनायत फरमाए।